हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 4 नया चैप्टर है, गठबंधन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कॉलिशन, यानी कि गठबंधन की राजनीति क्या है इसको पढ़ेंगे। भारत में गठबंधन राजनीति का उदय किस प्रकार से हुआ और गठबंधन सरकारों का इतिहास क्या है, गठबंधन राजनीति की क्या विशेषताएँ हैं, वर्तमान में जो सरकार बनी हुई है 17वीं लोकसभा की, वो किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, इन सभी बातों पर बात करेंगे। पार्ट वन है पहले वीडियो का, ये 4 चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से लगभग आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। शुरू करते हैं गठबंधन की राजनीति चैप्टर 4। यह है आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस पर जो भी आप वीडियो देखते हैं आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, उन सभी वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन क्या होता है, जब आप देखते हैं कई बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी राजनीतिक दल को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है, साझा सरकार बनाती है, या बहुमत जो न मिलने पर दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती है, उसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति। भारत में ये जो है ये कई बार देखा जा चुका है, यानी 11वीं लोकसभा के चुनाव से लेकर 15वीं लोकसभा तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, और ये एक लंबा दौर था जब भारत में गठबंधन राजनीति का उदय हुआ था। तो कैसे हुआ भारत में गठबंधन राजनीति का उदय, इन राजनीतिक सरकारों का उदय किस प्रकार से हुआ, इनके बारे में भी बात करते हैं। प्रथम जो 3 चुनाव हुए थे भारत में, प्रथम 3 चुनाव आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, जिसमें कांग्रेस सबसे अधिक वर्चस्व वाली पार्टी थी, कांग्रेस सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल नेता था उस समय, कांग्रेस को सर्वाधिक, यानी प्रथम आम चुनाव में और तीसरे आम चुनाव तक, आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव से, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा दल हुआ करता था। और इसी तरह धीरे धीरे भारत में 1967 तक की बात है, 1967 में कांग्रेस को कई जगह से अपनी सीटों पे हाथ धोना पड़ा था, और ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, इन सभी राज्यों में भी क्या है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिल रहा था। तो ये जो पार्टियां थी ये अपनी विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर भी इन्होंने क्या किया, गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया। पहली बार जो है भारत में गठबंधन सरकार जो बनी थी वो मोरारजी देसाई की बनी थी 1967 में। हालांकि कम बहुमत से ही केंद्र सरकार की सरकार कांग्रेस की सरकार बन गई थी, राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये केवल बड़ा दल बनकर रह गया था कांग्रेस, केवल केरल उड़ीसा व तमिलनाडु में उसे केवल बहुत ही कम सीटें मिली थी कांग्रेस को, केरल है तमिलनाडु है, 1967 के बाद में कांग्रेस को सीटें मिलना कम हो गई थी, केरल तमिलनाडु राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार इन सभी स्टेट में कांग्रेस जो है केवल एक बड़ा दल बनकर रह गया था, इनकी सीटें बहुत कम थी। इसी तरह इनकी विचारधारा न मिलने पर भी कांग्रेस की कुछ ऐसी पार्टियां थी जिनसे आपस में मतभेद था, उनके साथ मतभेदों को सुलझाकर कई राज्यों में सरकारें बनी, विधानसभाओं में उन्हें बहुमत मिला और कई राज्यों में गठबंधन सरकारों का दौर चला। 11वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, 11वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक किसी भी राजनीतिक दल किस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हो गया और गठबंधन राजनीति की शुरुआत होती है 1911वीं लोकसभा से पहली बार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में बनी, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 1996 में। ये सरकार 13 दिन चली थी
गठबंधन की सरकार थी, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे से सरकार बनी, फिर इसे प्रधानमंत्री बदलना पड़ा था। ठीक है, 96 महीने 13 दिन तक सरकार चली, फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त कांग्रेस के मोर्चे से सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद में 13 दिन बाद में कांग्रेस की सरकार बनी फिर से, लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री उनको बदलना पड़ा था और प्रधानमंत्री बनाया गया था HT देवघोड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराइल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विघटन के बाद में कांग्रेस के संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, इस सरकार में भी कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री बदला और HD देवघोड़ा के स्थान पर किसको बनाया गया, इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। HD देवघोड़ा के जगह किसको बनाया गया, इंद्र कुमार गुजराल को। इस सारी बातों को ध्यान रखेंगे। बाहरी लोकसभा में भी कोई स्पष्ट रूप से सुधार नहीं मिला, बाहरी लोकसभा में भी कोई ज़्यादा मतलब बहुमत किसी पार्टी को मिला नहीं। और क्या हुआ, बाहरी लोकसभा में कोई ज़्यादा बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आते हैं, जिसमें पहला है NDA और UPA। ये दो गठबंधन बनकर भारतीय राजनीति में उभरते हैं। उस समय बाहरी लोकसभा के बाद में NDA और UPA दो गठबंधन है। NDA मतलब संयुक्त प्रगतिशील, UPA मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और ये NDA मतलब संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, ये इसके फुल फॉर्म है हिंदी में। इन दोनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA और UPA मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसको बोलते हैं नेशनल अलायंस लैंस एंड डेवलपमेंट अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो था भारत में राजनीतिक दलों का उदय किस प्रकार से हुआ। अब बात करते हैं राजनीतिक सरकारों का उदय के बाद में इनका इतिहास कैसा रहा है आप आज तक, इन सभी पर बात करते हैं, यानी कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक सरकारों का इतिहास कैसा है इनके बारे में बात करते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में कांग्रेस की हार हुई। 1967 में कांग्रेस पूरी तरीके से हार जाती है और उसे लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। पांच दलों से मिलकर राष्ट्रीय पार्टी यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनती है, पांच दलों को मिलाकर, और कहने पर तो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बनाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक जैसी पार्टी का व्यवहार नहीं होता है, यानी कि पर्दे के पीछे कोई और होता है और पर्दे के बाहर कुछ और होता है। 1967 में सभी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई थी और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है। गठबंधन सरकारों में आपने इस जो शुरुआत है पहले प्रधानमंत्री गठबंधन सरकारों के, वो किसको माना जाता है, इंद्र HD की मोरारजी देसाई को माना जाता है। गठबंधन सरकारों का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, गठबंधन सरकारों में आपने पहले ये जाना था। अभी 1967 में कांग्रेस की सर्वाधिक हार हुई, कांग्रेस को किसी भी लोकसभा के चुनाव में कहीं पर भी सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, कहीं पर भी चुनाव जीत नहीं पाई थी कांग्रेस। तो ऐसे में उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे उस मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले पहले नेता थे और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गठबंधन सरकारों का उन्होंने नेतृत्व किया था, मोरारजी देसाई। में जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया था, जनता पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था, उस समय BJP नहीं था, जनता पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया था। कहने में प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन इनके पीछे पांच राजनीतिक दलों का और समर्थन प्राप्त था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री तो ये थे लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए पांच पार्टियां और थी मोरारजी देसाई को। इसी तरह जनता गठबंधन सरकारों की तरह ही व्यवहार करने लगी। इंडियन एक्सप्रेस में कुलदीप नायर ने 21 अप्रैल 1989 में लिखा, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थिति एक मिलीजुली सरकार जैसी रही है और सत्ता में भागीदारी है तो सभी जुट इस बात के लिए सजग रहे हैं।
अल्पकाल में जनता पार्टी दोहरी सदस्यता के इस मुद्दे पर बिखर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के भारी समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये कुछ समय बाद उन्होंने वापस समर्थन ले लिया और सरकार लोकसभा का सामना भी नहीं कर सकी और नए चुनाव कराने पड़े थे। इंद्र कुमार को मोरारजी देसाई की सरकार गिराने के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है किसी कारणवश से, तो चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा में कदम नहीं रखा, लोकसभा में गए नहीं, और जब लोकसभा का सामना ही नहीं किया सरकार ने तो सरकार गिर जाती है और फिर से नए चुनाव होते हैं। नए चुनाव 1980 में कराने पड़ते हैं। 1980 के चुनाव में 1980 में फिर से चुनाव होते हैं। 1980 के चुनाव के बाद में 89 तक कांग्रेस एक प्रधान दल के रूप में सक्रिय रहता है। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है जो दो विरोधी दलों के समर्थन पर टिकी हुई थी। इसकी वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है, वीपी सिंह जो दो पार्टियों के समर्थन से बनी हुई सरकार होती है 1989 तक। और इनके बारे में आपको बता दूं, ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो वीपी सिंह ने ही दिया था, वीपी सिंह ने जो इनको आरक्षण की व्यवस्था की थी। 1989 तक दो राजनीतिक दलों के रूप में ये कार्य करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं। इसी तरह से राजनीतिक दलों के उदारीकरण और इनके कारण भारत में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है 11वीं लोकसभा से 15वीं लोकसभा तक। राष्ट्रीय मोर्चा के नेतृत्व में जो दो विरोधादली के कारण सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी व वाम दल, इसके दो समर्थन दल थे। जनता दल के टुकड़े होकर बने जनता दल एस के रूप में नए राजनीतिक दल सरकार बनाने के नेतृत्व करने वाले थे चंद्रशेखर। जो जनता दल एस बना था उसका नेतृत्व किया था चंद्रशेखर ने। बीजेपी के भी दो टुकड़े हो गए थे, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड, जो अभी जिसके आप जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दो दल बन गए थे। जनता दल जिसमें अभी बीजेपी की सरकार चलती है जिसको जेडीयू कहते हैं, और दूसरा बीजेपी बन गया था। ये दोनों दल जो है बीजेपी से टूटकर अलग हुए थे। कांग्रेस ने इसे भारी समर्थन दिया जनता दल को और सरकार बनाई, और इस सरकार का नेतृत्व किसने किया था, चंद्रशेखर ने किया था। लेकिन कुछ महीने बाद ही कांग्रेस में मतभेद होने के कारण चंद्रशेखर की सरकार 6 मार्च 1991 में गिर गई, यानी कि 6 मार्च 1991 में वो चंद्रशेखर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो चंद्रशेखर की सरकार 6 मार्च 1991 को गिर जाती है क्योंकि जनता दल ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया होता है। तो 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद त्रिशंक लोकसभा के कारण अप्रैल 1996 में फिर गठबंधन की सरकार का दौर शुरू होता है और इस सरकार का नेतृत्व करते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। इस सरकार का नेतृत्व करते हैं। इस सरकार को जनता दल का भारी समर्थन होता है और आरजेडी आरजेडी आरजेडीयू इन सभी पार्टियों का इनको भारी समर्थन होता है। कोई भी दल सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए सबसे बड़ा दल उस समय 1991 में बीजेपी बनकर उभर कर सामने आता है। सबसे बड़ा दल बीजेपी के साथ में उसके मित्र दल जो हैं शिवसेना, अकाली दल और हरियाणा का विकास पार्टी संगठन, ये सभी बीजेपी को समर्थन देकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय बनती है। सरकार 13 दिन बाद में गिर जाती है। 13 दिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ पार्टियां समर्थन वापस ले लेती है, तो ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के भारी समर्थन से HD देवगौड़ा की सरकार बनती है। लेकिन कुछ महीनों बाद में भी ये सरकार क्या है, गिर जाती है और प्रधान उनको नेता बदलना पड़ता है और चौधरी चरण सिंह को लाया जाता है फिर से।
तो ये सारा जो है ये गठबंधन राजनीति, गठबंधन की राजनीति का इतिहास है, तो सभी आप अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल को अपना नेता चुनते हैं। एच डी देवगौड़ा की सरकार गिरने के बाद में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में एच डी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद में ही एच डी देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बदलना पड़ता है। ठीक है, जहाँ देवगौड़ा की सरकार 13 राजनीतिक दलों के भागीदार थे, एच डी देवगौड़ा की सरकार जो थी वो 13 राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से बनी हुई थी, और गुजरात की जो सरकार थी वो 15 राजनीतिक दलों के समर्थन से बनती है, 15 राजनीतिक दल उसे सपोर्ट करते हैं इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को। इसी तरह इन सभी विषयों और वैचारिक समानता का सर्वदा अभाव था, इस परिणाम स्वरूप सरकार के निरंतर दबाव में काम करना पड़ता है। राजनीतिक दलों जो 15 दल थे, इनके दबाव में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह फिर 12वीं लोकसभा में देखते हैं, ये तो था 11वीं लोकसभा के चुनावों का नतीजा था, अब 12वीं लोकसभा की बात करते हैं। 12वीं लोकसभा के चुनावों के परिणाम में भी विखंडित जनादेश प्राप्त होता है, यानी किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और फिर से वो त्रिकोणीय जो है मुकाबला हो जाता है, त्रिकोणीय लोकसभा की सीटें आती है देश को, त्रिकोणीय सीटें मिलती हैं, यानी थोड़ी उसको थोड़ी 3 पार्टियों में बढ़ जाती है लोकसभा की सीटें। सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर भारतीय जनता पार्टी दल निकल कर आता है, और उसके बाद में कांग्रेस, और उसके बाद में NDA, इन सभी UP, इसके बाद में JDA, इन तीनों राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है। 18 दलों से मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 18 दलों से मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती है 18 दलों के समर्थन से। ठीक है, और इसका इस सरकार का नेतृत्व करते हैं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये 5 सालों तक फिर से ये सरकार चलती है। ठीक है, लेकिन जिसे अप्रैल 1999 में अविश्वास द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है, 1999 में इस सरकार को गिरा दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। और ये सरकार जो है इस बार पूरे 1 साल तक कार्य करती है, पिछला वाला जो गठबंधन था वो 13 दिनों में टूट गया था, और इस बार वाला गठबंधन पूरे 1 साल बाद में टूटता है। इसी तरह 13वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जो है 20 से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है, 20 से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त होने से BJP की फिर से सरकार बनती है, और गठबंधन तोड़ने और जुड़ने का क्रम चलता है राजनीतिक दलों में, गठबंधन टूटते हैं और जुड़ते हैं। सरकार को चलाने के लिए स्थायी बनाने वाला महत्वपूर्ण तत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रिय छवि, जिसको सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी, विकल्प के अभाव में भी सरकार के दायित्व संबल प्रदान किया। लोकसभा का कार्यकाल 2004 तक पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 2004 को ही लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वर्तमान में अब क्या है, सरकार चलाना संभव है, तो उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति से सिफारिश करके फरवरी 2004 में क्या कर दिया, सिफारिश कर दी राष्ट्रपति से कि आप क्या करें, वर्तमान लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो लोकसभा को भंग कर दिया गया था, और मई में फिर से चुनाव करवाए गए थे। तो ये गठबंधन सरकारों का दौर था। इसी तरह 14वीं लोकसभा के चुनाव देखते, 14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस में किसी भी दल को स्पष्ट रूप से कांग्रेस को थोड़ी स्थिति सुधरती है, कांग्रेस को थोड़ी सीटें प्राप्त होती है, और कांग्रेस ने अपना नेता उस समय मनमोहन सिंह को चुन लिया जाता है। 14वीं लोकसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है, और उस समय कांग्रेस की स्थिति बाकी दलों से ज़्यादा सुधरती है, और 14वीं लोकसभा का नेतृत्व करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक अर्थशास्त्री है देश के। 15वीं लोकसभा के बाद में कांग्रेस की स्थिति सुधरती है, और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में
सरकार बनाई जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री होते हैं, रिजर्व बैंक के ये गवर्नर भी रह चुके हैं और एक अर्थशास्त्री भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 दलों के गठबंधन से इन्होंने सरकार चलाई और सर्वाधिक लंबे समय तक गठबंधन सरकारों का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। सर्वाधिक लंबे समय तक गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का नाम आता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। सबसे कम समय तक गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है इसमें। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक यानी कि 13 दिनों तक गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया और सर्वाधिक लंबे समय तक 10 सालों तक मनमोहन सिंह ने गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया था, जो 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। 16वीं लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर जनता के सामने उभर कर भारत में सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आता है और मतदानों का प्रतिशत इस बार बढ़ जाता है और 1984 के बाद में पहली बार देश में 2014 में स्पष्ट रूप से बहुमत बीजेपी को प्राप्त होता है और जो वर्तमान में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए हुए सरकार है। लगभग 334 सीटें लोकसभा में प्राप्त की हैं तो ये गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे 16 लोकसभा के जो चुनाव हुए थे यानी कि वर्तमान में अभी उनमें जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सी जो पार्टियां हैं वो किस किस पार्टी को समर्थन दे रही हैं, सभी के बारे में बात करेंगे और जो भारतीय गठबंधन राजनीति है उसकी क्या विशेषताएं हैं इन सभी पर अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।